हम आपको बताएंगे आज बृहस्पतिवार को क्या उपाय करने चाहिए कि जिसमें आपको घर में धन वृद्धि हो और धन का भाव बढ़े। जिस घर में बृहस्पतिवार को होते हैं ये काम, वहाँ धन का कभी भी नहीं होता है अभाव, कभी भी धन की कमी नहीं होती है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को हल्दी की गांठ मंदिर में अर्पण करने से बढ़ता है भाग्य और अच्छी होती है धन की वृद्धि। नंबर दो, गुरुवार को पीपल का पूजन अवश्य करें। व्यापार में बढ़ावा देने के लिए कच्चा पीला सूट भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। इससे ये होता है कि अगर आप गुरुवार को ये करेंगे पीपल पर, तो उस पर बांध भी सकते हैं या फिर वहाँ पर अर्पण भी कर सकते हैं। इससे आपके धन में और बिजनेस में, व्यापार में बढ़ेगा ये इससे। नंबर तीन, हर गुरुवार विष्णु जी को केसर चढ़ाएं, मनचाहा वर मिलता है, धन लाभ साथ साथ उच्च पद की प्राप्ति होती है इसमें। यानी कि अगर आपका उच्च पद में आप विवाहित नहीं हैं या विवाहित हैं, तो उससे अगर ये भी लाभ होगा आपको। इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर आप अनविवाहित हैं तो इसमें एक लाभ कर सकते हैं, लेकिन इसमें धन की प्राप्ति हो जाएगी आपको। और जिस पद में आप काम करते हैं वो आपका पद भी बढ़ जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा और आप में भी इसमें धन की वृद्धि भी होगी। नंबर चार, बृहस्पति देव को प्रसन्न करने हेतु सफ़ेद बालों वाले किसी साधु या पुजारी को गुरुवार को दान में धन, मिठाई, खड़ाऊ या धार्मिक पुस्तक आप छोटी सी भी दे सकते हैं। 10 रुपये की वाली पुस्तक भी दे सकते हैं, आप मिठाई खिला सकते हैं उन्हें, या फिर धन में 10-20 रुपये जो आपसे समता है, जो आपकी उसी हिसाब से आप दे सकते हैं। लेकिन यह आपने बृहस्पतिवार को करना होगा, और जिनके सफ़ेद यानी कि वाइट बाल हो तो उनको ये आपने देना होगा, उससे भी फायदा होगा। नंबर छः, जब भी गुरुवार आए प्रातः काल में घर में ईशान कोण में केसर या पीले रंग से स्वास्तिक बनाकर उसका पूजन करें। अगले गुरुवार पुनः उस स्वास्तिक पर नया स्वास्तिक बनाए। ऐसा करते रहने से घर में सुख और धन प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य बना रहता है। ऐसा भी कर सकते हैं आप, इसमें आप देखिएगा जब भी आप स्वास्तिक बनाएं, स्वास्तिक के ऊपर स्वास्तिक बनाएं, क्योंकि गुरुवार के एक हफ्ते में 1 वीक में स्वास्तिक मिट जाता है, तो उसी स्वास्तिक के ऊपर स्वास्तिक आपने बनाना है, अलग से कोई स्वास्तिक नया नहीं बनाना है। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, आप हल्दी से बना सकते हैं, कुमकुम से बना सकते हैं, चावल से बना सकते हैं। नंबर छः, गुरुवार को पीले रंग के फल शंकर जी को चढ़ाएं, इससे संपत्ति में वृद्धि होती है। अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा है या कोई दिक्कत है, आपको संपत्ति में चाहिए या बंटवारा चाहिए, या फिर आप कोई मकान, घर, प्लाट कुछ भी लेना चाह रहे हैं, तो ये आपको जल्दी से मिल जाएंगे। लेकिन आपने ये टोटके सिर्फ गुरुवार को करने होंगे। तो मैं संदीप भक्ति ज्ञान गंगा, हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती हैं, आप देखना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू। जय श्री मन्ना।